हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू कोडिंग हार्ट यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो दैट कि इस चैनल पर हम सी लैंग्वेज से जुड़ी हुई कई वीडियोस देख रहे हैं। तो सी लैंग्वेज सीखने की इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे नॉर्मल लाइफ में भी हम किसी चैप्टर्स को पढ़ते हैं और हमें कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो हम सबसे पहले उसका कीवर्ड देखते हैं। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज में भी कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग रहता है। आइए देखते हैं कीवर्ड की डेफिनेशन। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द सी कंपाइलर। कीवर्ड्स वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सी कंपाइलर को पहले ही दिया जा चुका है या सी कंपाइलर पहले ही उन वर्ड्स का मीनिंग समझ चुका है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें प्रिंटएफ और clrscr फंक्शन यूज़ करने के लिए हेडर्स फाइल चाहिए। हेडर फाइल्स हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ती है, बट ऐसा कीवर्ड्स के साथ नहीं है। कीवर्ड्स यूज़ करने के लिए हमें कोई भी हेडर फाइल लगाना ज़रूरी नहीं है। आइए देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। देर आर 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, ऐसे करके टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। आप इसको देखिए, घबराइए मत, डेली धीरे धीरे यूज़ करते करते ये आपको याद हो जाएंगे। इसको याद करने की टेंशन मत लीजिएगा, इनको याद रखना बहुत ईजी है। जब आप प्रोग्राम बनाते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपको याद होते जाएंगे। और मैं बता दूँ, कुछ कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, बोलेन, इनके अपने ओन कीवर्ड भी हैं, बट उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम इतने की 32 कीवर्ड से भी काम चला सकते हैं। आइए देखते हैं कि रूल्स क्या है कीवर्ड जनरेट करने के। यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स वाइल यूजिंग कीवर्ड। कीवर्ड यूज़ करते टाइम हमें ये जो बिलो पॉइंट लिखे हुए हैं इनका ध्यान रखना पड़ेगा। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये बात हमने डिस्कस नहीं करी है प्रीवियसली, बट सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आप लोगों को भी पता होगा। मतलब सी में अगर हम स्मॉल ए लिख रहे हैं और कैपिटल ए लिख रहे हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। आप अपना नाम अगर स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं और कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, दोनों का मीनिंग सी लैंग्वेज में अलग अलग होगा। तो सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सो वी कांट राइट कीवर्ड्स इन अपर केस। इसलिए हम कीवर्ड्स को अपर केस लेटर्स में नहीं लिख सकते, यानी कीवर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में नहीं रख सकते। इन फैक्ट फर्स्ट वर्ड भी हम कैपिटल नहीं रख सकते, हमें सारे वर्ड्स लोअर केस में ही रखने पड़ेंगे। वी कांट यूज़ कीवर्ड्स नेम एज वेरिएबल। वेरिएबल्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे, हम सी लैंग्वेज में जैसे वेरिएबल्स बनाते हैं तो हम किसी भी वेरिएबल का नाम कोई भी कीवर्ड नहीं रख सकते। हम फ्लोट नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, हम इंट नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। एवरी कीवर्ड हैज़ इट्स ओन मीनिंग। हर कीवर्ड का अपना खुद का एक ओन मीनिंग है जो कि कंपाइलर द्वारा पहले ही रीड किया जा चुका है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अगर आप टर्बो कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, टर्बो सी कंपाइलर में कीवर्ड वाइट कलर से आपको शो होते हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं वहाँ पर। अगर आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वाइट कलर का हो जाएगा। अगर वाइट कलर का नहीं हो रहा है तो या तो फिर आपने कुछ गलती करी है, या स्पेलिंग मिस्टेक करी है, या कैपिटलाइज लिखा है। तो ये कारण हो सकते हैं कीवर्ड्स के। थैंक यू, दिस इज इट फॉर नाउ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं बता दूँ, इस चैनल पर प्रोग्रामिंग सॉल्विंग सीरीज़ के नाम से कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो उन क्वेश्चन को भी ज़रूर देखिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।